आज लड़कियां पढ़ती है और उसको पढ़ने के लिए लाखों स्कूल देश में मौजूद है, ये बात कहना बहुत आसान है। लेकिन इसकी जो पहली बिगिनिंग की गई थी वो महात्मा ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्री बाई फूले के द्वारा 1848 में फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इस्टेब्लिश किया गया था। फर्स्ट अगर देखें तो गर्ल्स स्कूल इस्टेब्लिश हुआ था 1848 में, और ये इन्हीं के द्वारा जो ना अगर देखें तो किया गया था 1848 में। ये पुणे में इस्टेब्लिश हुआ था। ये इनकी पत्नी थी, पहले इन्होंने अपने पत्नी को पढ़ाया और दोनों ने मिलकर जो ना फिर इस डायरेक्शन में काम किया, और इस प्रकार से पहली गर्ल्स स्कूल इस्टेब्लिश हुई अगर देखें इंडिया में 1848 में। तो वुमेन एजुकेशन ने जो एक वहां से लेकर यहां तक का एक लंबा सफर तय किया है, उनमें इन दो वाइफ हस्बैंड का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले का। तो देश इनके लिए हमेशा ऋणी रहेगा। वुमेन सोसाइटी जो है, वुमेन का जो रिफॉर्म हुआ, ये 19 सेंचुरी के रिफॉर्म में से एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आगे चलकर साबित हुआ, जो देश को इस तरक्की में, वुमेन एजुकेशन में इतने बड़े तरक्की पर लाने में एक पहला पायदान का जो ना रोल प्ले किया।